वेलकम बैक टू चैनल इट्स विकास वॉचिंग वॉइस टेक। सो गाइस इन दिस वीडियो में आपको बताने वाले कि यहाँ पे एक न्यू फोन लॉन्च हो रहा है जो कि है Nubia Z20 और इस फोन में हमें डुअल स्क्रीन मिल जाती है। जैसे कि गाइस आज तक आपने कोई ऐसा फोन नहीं देखा होगा जहाँ पे हमें डुअल स्क्रीन मिल जाती है, मतलब गाइस फ्रंट साइड में भी स्क्रीन मिलेगी और बैक साइड में भी हमें इस फोन में स्क्रीन मिल जाती है, जिसके बाद हम दोनों स्क्रीन को अलग अलग यूज कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए। गाइस अभी तक तो आपने सुना होगा कि डुअल स्क्रीन वाला फोन जो कि ऐसे होता है, लेकिन गाइस यहां पे हमें फ्रंट बैक दोनों साइड स्क्रीन मिल जाती है। सो गाइस इस वीडियो में हम इसी Nubia Z20 के फीचर्स के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे क्या है इसमें फीचर और कैसे ये काम करता है। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाते और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए आपको बताते हैं। गाइस यहाँ पे Nubia का न्यू फोन लॉन्च हुआ है जो कि Nubia Z20 और गाइस इस फोन में सबसे मेन फीचर है कि यहाँ पे हमें डुअल स्क्रीन मिल जाता है जो कि फ्रंट साइड में भी स्क्रीन है बैक साइड में भी स्क्रीन है। गाइस आज तक तो आपने डुअल स्क्रीन वाले फोन देखे होंगे लेकिन वो टैबलेट जैसे रहता है, ऐसे रहता है मतलब बैक साइड में नहीं, लेकिन गाइस ये पहला फोन है जिसमें हमें डुअल स्क्रीन मिल जाती है जिसमें गाइस हम फ्रंट साइड की भी स्क्रीन को यूज कर सकते हैं और उसके बैक साइड के भी स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं इसके स्क्रीन के बारे में तो यहाँ पे मैं फ्रंट साइड में, सो गाइस यहाँ पे मैं 6.42 इंच का अमोल्ड स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि ये कर्व डिस्प्ले होता है, मतलब कि जैसे कि Xiaomi के फोन में आपको देखते हैं कि कर्व वाला फोन मिलता है जो कि बहुत सारे ऐसे फोन है जिसमें हमें कर्व डिस्प्ले मिलता है। सो इसी तरह इस वाले फोन में हमें एक कर्व डिस्प्ले मिलता है जो कि अमोल्ड स्क्रीन फुल HD डिस्प्ले हमें मिल जाता है वो भी फ्रंट साइड में। और गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैक कैमरे की तो यहाँ पे बैक में हमें 5.1 इंचेस का स्क्रीन मिल जाता है जो कि गाइस एक मतलब फुल HD स्क्रीन नहीं है जो कि 5.1 इंचेस का स्क्रीन है जो कि गाइस थोड़ा सा मतलब छोटा में स्क्रीन रहता है, लेकिन गाइस यहाँ पे हमें बहुत अच्छी खासी स्क्रीन मिल जाती है और जो मतलब फंक्शन जो भी एप्लीकेशन वो हम फ्रंट साइड में यूज करेंगे उस एप्लीकेशन या फिर फंक्शन को हम बैक साइड में भी यूज कर सकते हैं वो भी बड़े आराम से। और गाइस दोनों तरह हम दो अलग अलग विंडो यूज कर सकते हैं। और गाइस अगर हम बात करते हैं इसमें परफॉर्मेंस की जो कि इसका प्रोसेसर, तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 855+100 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि गाइस काफी फास्ट प्रोसेसर है और इसी Nubia के फोन में हमें ये वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि गाइस काफी फास्ट है, तो फोन की परफॉर्मेंस बिल्कुल फास्ट रहेगी। और गाइस अगर हम बात करते हैं इस फोन में बैटरी की तो गाइस यहाँ पे हमें 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि काफी बड़ी बैटरी कैपेसिटी है, लेकिन अगर आप ये चीज सोचते होंगे कि यहाँ पे हमें डुअल स्क्रीन मिल जाती है तो यहाँ पे हमें जो बैटरी है इसकी ये ज्यादा होती होगी, तो वो नहीं है गाइस। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्क्रीन को यूज करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप फ्रंट साइड की स्क्रीन यूज करना चाहते हैं तो फ्रंट साइड की स्क्रीन के लिए अलग सिस्टम होता है कंट्रोलिंग के लिए, अगर आप बैक साइड की स्क्रीन यूज करना चाहते हैं तो बैक की अलग कंट्रोलिंग होती है, और अगर आप चाहे दोनों स्क्रीन को एक साथ यूज कर सकते हैं मतलब कि उस वाले स्क्रीन में कुछ और यूज करिए और इस वाली स्क्रीन में कोई अलग मतलब पेजेस ओपन करके काम कर सकते हैं। सो गाइस ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, दोनों में हम अलग अलग प्रकार के यूजेस कर सकते हैं और अगर हम यूज नहीं करना चाहें तो हम बस फ्रंट साइड या फिर बैक साइड जो भी हमें यूज करना रहे हम एक केवल अकेले यूज कर सकते हैं। सो गाइस अगर हम बात करते हैं इसमें कैमरे की तो गाइस यहाँ पे हमें बैक साइड में ट्रिपल कैमरा मिल जाता है जहाँ पे हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि गाइस एक मतलब प्राइमरी कैमरा है, और गाइस जो दूसरा कैमरा है वो हमें 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है जो कि टेलीफोटोज के लिए, जहाँ पे गाइस हमें 3x ऑप्टिकल जूम वाला ऑप्शंस मिल जाता है जहाँ कि बड़े आराम से हम इसमें जूम कर सकते हैं और क्वालिटी फटेगी नहीं, मतलब कि 3x तक आप जूम करेंगे तो उसकी क्वालिटी नहीं फटेगी और बहुत आराम से आप 3x में जूम करके अच्छी खासी पिक्चर्स यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और गाइस जो इसका तीसरा कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जहाँ पे हमें गाइस अल्ट्रा वाइड एंगल में फोटो क्लिक कर सकते हैं जो कि बहुत ही कमाल का कैमरा है और वाइड एंगल में काफी अच्छी खासी क्वालिटी में हम इसमें पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट की जो कि आप बहुत ही देर से सोचते होंगे कि फिंगरप्रिंट कैसे रहेगा, सो यहाँ पे हमें दोनों साइड में डुअल माउंटेड फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शंस मिल जाता है, मतलब गाइस दोनों स्क्रीन पे हमें फिंगरप्रिंट मिल जाता है जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा, आप चाहे जिस डिस्प्ले की फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइस आप ये ध्यान रखिए कि जो आप फिंगरप्रिंट यूज करेंगे ना तो अगर आप फ्रंट साइड की फिंगरप्रिंट यूज करें तो फ्रंट साइड के फिंगरप्रिंट से फ्रंट साइड वाला डिस्प्ले ही अनलॉक होगा और बैक साइड के फिंगरप्रिंट से बैक साइड वाला डिस्प्ले ही अनलॉक होगा, तो दोनों का सिस्टम अलग अलग है, आप दोनों साइड में फिंगरप्रिंट को यूज कर सकते हैं और अपने
फोन के दोनों डिस्प्ले को सिक्योर कर सकते हैं। और गाइस अगर हम बात करते हैं इसमें चार्जिंग की जो कि सबसे मेन है, तो यहाँ पे मैं 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जहाँ पे हमें यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। अब ये तो बनता ही है कि इतना महंगा फोन है सो यहाँ पे हमें यूएसबी टाइप सी तो मिलेगा ही, और यहाँ पे हमें 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जिसके बाद फोन काफी मतलब स्पीड से चार्ज होगा, कुछ मिनटों के अंदर में ही ये चार्ज हो सकता है। सो गाइस ये रहा इस फोन का फीचर्स। और गाइस ये जो नोबिया का Z20 है, ये वर्ल्ड का पहला फोन है जिसमें हमें मतलब फ्रंट साइड में भी स्क्रीन मिल रहा है, बैक साइड में भी स्क्रीन मिल रहा है, और दोनों का यूजर्स अलग अलग है, मतलब दोनों स्क्रीन को हम अलग अलग काम कर सकते हैं। और गाइस काफी कमाल का ये फोन है। सो गाइस ये रहा इस फोन के फीचर्स। अब अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, सो गाइस यूएस में हमें $549 मिल जाता है, मतलब $549 के करीब हमें ये यूएस में मिल जाता है। और गाइस अगर हम बात करते हैं इसके वेरिएंट की, तो यहाँ पे हमें 8GB 128GB इंटरनल वाला वेरिएंट इसमें मिल जाता है, जो कि हमें $549 का ये यूएस में मिल जाता है। लेकिन गाइस ये जो फोन है ये फॉरेन कंट्री में बहुत सारे मतलब कंट्रीज में अवेलेबल है, जैसे कि ताइवान, सिंगापुर, बैंकॉक, जापान, ऐसी बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो फॉरेनर्स में, जो कि मतलब टेक्नोलॉजी में आगे हैं, उन सारी कंट्री में ये फोन अवेलेबल है, लेकिन हमारे इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। सो जिसको खरीदना है वो फॉरेनर से खरीद सकता है, फॉरेन कंट्री से, क्योंकि गाइस फोन का जो फीचर से काफी कमाल का। सो गाइस आई होप आपको इसके फीचर समझ में आएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। एज ऑलवेज डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।